जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि किंग किंग होता है, तो कराची का बनता था यहाँ जीतना, और कराची के अंदर ही ये गेम हुआ है और बहुत अच्छा खेला कराची ने पूरे इस बार। इनकी टीम बहुत बैलेंस टीम थी और हमने मिस किया डीन जॉन्स को जिनके साथ शुरुआत हुई यहाँ पर, लेकिन मेरी सारी मुबारकबादें सलमान इकबाल, एआ भाई, कराची किंग्स की पूरी टीम को, कैप्टन को, वसीम अकरम भाई को, सबको। और दूसरी बात ये कि आज जिस तरह का गेम इन्होंने दिखाया, बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी और बैटिंग भी बहुत अच्छी की है, मेरे ख्याल से हर तरीके से आउट क्लास किया है आज लाहौर को, जबकि लाहौर ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला और दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला, लेकिन आज जो डिफरेंस था, अगेन बाबर की बैटिंग जो है वो बहुत कमाल थी, बॉलिंग आज ओवरऑल बहुत अच्छी हुई, तो आई एम सो हैप्पी और सारे कराची, पूरा कराची आज बहुत खुश है और हम सब बहुत खुश हैं। आई होप के नेक्स्ट ईयर भी इतना ही अच्छा कराची खेले और एक बार फिर PSL जीते। बहुत अच्छा, बहुत मुबारक कराची को, बहुत मुबारक सलमान भाई को, पूरे ARY ग्रुप को और स्पेशली सब कराची वालों को और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान की जीत हुई एंड कराची प्लेड रियली रियली वेल, बेटर लेट देन नेवर। मेरे ख्याल में कराची डिजर्व करता था, बड़ी तैयारी के साथ खेला, बड़ी प्लानिंग के साथ खेला है, और इस मौके पे डीन जोन्स को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, कि उनकी बड़ी मेहनत थी इस टीम के लिए और जिस तरीके से वो लेके गए हैं, प्लेऑफ से निकाला है और लेकर आए इधर, और डिज़र्व करते थे लाहौर। दोनों टीमें ऐसी थीं कि दोनों की बड़ी उमदा टीम थी दोनों की, और दोनों ने ऐसे ऐसे मौके देखे हैं कि जो पूरा पाकिस्तान एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि अगर कभी भी PSL होगा तो पाकिस्तान में कराची है या लाहौर ही जीतेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर बेटर, जैसे मैंने पहले कहा कि कराची, बाबर आजम ने जिस तरीके से टीम को लेके गए हैं और जिस तरीके से जिम्मेदारी के साथ खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी जीत है PSL के लिए ऐसे मौके पर फाइनल करवाना, जब दुनिया भर के हालात कुछ इतने ख़ास नहीं हैं और पूरी SOPs के साथ ये मुनक्कद कराना और उसके बाद ये होना, ये आई थिंक ये पाकिस्तान की जीत है। देखिए, एक राइवलरी तो है ना कराची और लाहौर की, वो एक रहती है कि हाँ हम बेहतर हैं, वो कहते हैं हम बेहतर हैं, तो ये एक राइवलरी रहती है जिसकी वजह से और मज़ा आता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हमने मिस की वो ऑडियंस थी। ज़ाहिर है कोरोना की वजह से कोई देखने नहीं आया था, यहाँ पे कुछ लोग ही बस, हम लोग समझ लें कि मैनेजमेंट के लोग हैं तो हम आ गए, अदरवाइज़ बहुत मिस किया हमने उस माहौल को जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जब पूरी ऑडियंस बैठी होती है और वो शोर शराबा कर रही होती है। लेकिन मैच बहुत अच्छा हुआ और दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेली और आई एम वेरी हैप्पी कि कराची जीत। ऑडियंस होती तो फिर तो आपको पता ही है कि ये शायद इंटरव्यू का मौका भी ना मिलता। नेक्स्ट टाइम जितनी जल्दी सब नॉर्मल आएगा तब अच्छा होगा। आज कराची लाहौर था, क्राउड होता तो बहुत मज़ा आता।